हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 31 अगस्त 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ नेशनल और इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स अवेलेबल होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है इसमें, और इस सभी करंट अफेयर्स के प्रश्नों को और उनके दिए गए फैक्ट को पूरा पढ़िएगा, क्योंकि फैक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं और उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। क्योंकि हमारे चैनल में केवल करंट अफेयर ही नहीं, आपको अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी अवेलेबल होंगे, जैसे कंप्यूटर, हिस्ट्री, सीजी, आपके सभी सब्जेक्ट जो हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड, इन सभी सब्जेक्ट के जो है वीडियो आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न स्टार्ट करेंगे। कल का आपका दिया है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने व्यवसायों और उपभोक्ताओं के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए किस दिवस का विचार प्रकट किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने व्यवसायों और उपभोक्ताओं के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक सेवा दिवस का विचार प्रकट किया है, विचार दिया है। साथ ही याद रखिएगा, उन्होंने नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। ठीक है, और ये सब जो कार्य हुआ है, आपका B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक सेवा दिवस को का जो है आह्वान किया है। और याद रखिएगा कि भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जो है ICII यानी CII द्वारा जो है आयोजित किया गया था B20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। हाल ही में राज्य के किस शिक्षक का चयन राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए सम्मान 2023 के लिए किया गया है। तो राज्य के जो है डॉक्टर ब्रिजेश पांडे हैं, इनका चयन किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल ब्रह्मपारा अंबिकापुर के प्राचार्य डॉक्टर ब्रिजेश पांडे हैं, जिन्हें राष्ट्रपति से जो है सम्मानित होंगे ये। और उन्होंने प्राचार्य रहते हुए 2000 में इसे मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई और लगभग 25 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराकर जो है बच्चों के लिए शिक्षा के मार्ग प्रशस्त किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, नाम क्या है इनका, डॉक्टर ब्रिजेश पांडे राज्य से। इन्हें राष्ट्रीय जो है सर्वश्रेष्ठ शिक्षक जो है राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाल ही में राज्य के किस विश्वविद्यालय को ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राज्य का हमारा विश्वविद्यालय है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जो कि रायपुर में है, इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा अकादमिक अनुसंधान संस्थान द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं पर उत्कृष्ट शोध के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इससे पहले भी जो है विश्वविद्यालय को भारत सरकार द्वारा ई गवर्नेंस मॉडल हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में किस युवा एथलीट ने लगभग 30 सेकंड में 62 हैंड्स वॉकिंग स्टेप इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया अपना। तो जो है पी धनराज है एथलीट, छत्तीसगढ़ के पी धनराज एथलीट हैं, और इन्होंने 30 सेकंड में 62 हैंड वॉकिंग स्टेप चलकर जो है नाम दर्ज कराया है। विस्तार पर बात करेंगे। बिलासपुर के युवा एथलीट हैं पी धनराज, इन्होंने हाथों के बल पर 30 सेकंड में 62 हैंड वॉकिंग स्टेप चलकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले जो है 2022 में उनका नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। ठीक है, अभी जो है उन्होंने इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे नाम दर्ज कराया, इससे पहले इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे नाम दर्ज किया करा लिया है इन्होंने। और साथ ही याद रखिए 2016 में उन्हें भारत स्काउट एंड गाइड के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अब उनका लक्ष्य है कि उन्होंने जो है अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जा रहा है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। विस्तार पर बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 से ज्यादा गोल दागने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 2012 से मनाया जा रहा है। 2023 का विषय है, याद रखिएगा, खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाता है। ठीक है,
और वे जो है जो मेजर ध्यानचंद है वे 1928 में, 1932 में, 1936 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। ठीक है, 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। याद रखिएगा कब कब, 1928, 32 और 1936 में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं ओलंपिक में। और उन्हें 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। विस्तार पर बात करते हैं आगे इनके। इनका जन्म 1905 में हुआ था तथा निधन जो है 3 दिसंबर 1979 में हुआ है, 1979 में हुआ था। और इनके पिता जो है सोमेश्वर दत्त सिंह है इनके पिता का नाम, और इनके माता का नाम है शारदा सिंह। ठीक है, सरकार ने 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न का नाम जो है परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया है। कब किया है, 6 अगस्त 2021 को। ठीक है, इतना टॉपिक आप याद रखिएगा, सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न किसी से भी बन सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ब्यूटी पेजेंट मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो श्वेता शारदा, इन्होंने जो है मिस ब्यूटी पेजेंट मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। विस्तार पर बात करेंगे, 22 वर्षीय श्वेता शारदा ने मुंबई में आयोजित हुए ब्यूटी पेजेंट मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने जन्म सॉरी उनका जन्म चंडीगढ़ में हुआ और वे वर्तमान में मुंबई में निवास कर रही हैं तथा डांस इंडिया डांस जैसे रियलिटी शोज और म्यूजिक वीडियो में भी वे नजर आ चुकी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक बनेंगी, कौन बनेंगी? डॉक्टर सोनाली घोष। ठीक है, डॉक्टर सोनाली घोष जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम की पहली फील्ड महिला फील्ड निदेशक बनेंगी। विस्तार पर बात करेंगे, 1 सितंबर से भारतीय वन सेवा अधिकारी डॉक्टर सोनाली जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कमान संभालेंगी। वे जतेंद्र शर्मा की जगह लेंगी जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? जतेंद्र शर्मा, ये जो है 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। यह असम राज्य के गोलाघाट और नगांव जिलों में जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा असम में। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, मतलब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर जो है इसका नाम आया था, और 2006 में टाइगर रिजर्व में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा किस किस सन में इन्हें इसे क्या घोषित किया गया है, याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो गांधीनगर गुजरात के गांधीनगर में जो है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की गई है। विस्तार में बात करेंगे, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 28 अगस्त को बैठक हुई जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और गोवा के मंत्रीगण ने भाग लिया। ठीक है, बैठक में बुनियादी ढांचे, खनन, जल आपूर्ति, पर्यावरण और वन, क्षेत्रीय स्तर के सामान्य हित और राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर चर्चा हुई है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से 22 तक के तहत जो है 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमरसन मनांगागवा दूसरे और अंतिम 5 साल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं? तो ये है जिम्बाब्वे के जो है अंतिम 5 साल के लिए जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जा चुके हैं। विस्तार पर बात करेंगे इसके, 80 वर्षीय मनांगागवा 52.6% वोट मिले हैं इन्हें तथा विपक्षी नेता नेल्सन चामिसा को 44% वोट मिले हैं। 26 अगस्त को दक्षिणी अफ्रीका देश में मतदान के बाद जल्द ही नतीजे घोषित किए गए जिसमें यह पता चला कि उन्हें जो है फिर से राष्ट्रपति घोषित किया गया है। 1980 में श्वेता अल्पसंख्यक शासक शासन से जो है आज़ादी के बाद से अब तक मनांगागवा की पार्टी ने जिम्बाब्वे में सरकारी नेतृत्व बरकरार रखा है, याद रखिएगा। ठीक है, श्वेत अल्पसंख्यक शासन से आज़ादी के बाद जो है 1980 में जिम्बाब्वे जो है बना था देश। ठीक है, श्वेत अल्पसंख्यक शासन से आज़ादी के बाद और उस समय से अब तक यानी कि 43 वर्षों तक का जो है इतिहास रहा है जिम्बाब्वे का। तो इसमें मनांगागवा की पार्टी ने जिम्बाब्वे में सरकारी नेतृत्व बरकरार रखा है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के अबाया पहनने पर रोक लगाया जाएगा? तो ये है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के फ्रांस में सरकारी स्कूल के स्कूलों में जो है बच्चों के अबाया पहनने में रोक लगाया जाएगा, चूंकि ये धार्मिकता से संबंधित है। विस्तार पर बात करेंगे, अबाया मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पूरी लंबाई का वस्त्र है, जिससे पूरा चेहरा भी ढका होता है। इसे आप बुर्का भी कह सकते हैं। यहाँ जनरली सामान्य भाषा में हम बुर्का से जानते हैं कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा ये पहना जाता है। और देश की शिक्षा मंत्री गैब्रियल, फ्रांस की जो शिक्षा मंत्री हैं गैब्रियल अटाल द्वारा कहा गया है कि फ्रांस में सरकारी स्कूलों और भवनों में धार्मिक चिन्ह सख्त वर्जित है, और ये जो अबाया है ये धार्मिकता से जुड़ा है कि इसे धार्मिक चीज़ों में पहना जाता है। ठीक है, और स्कूलों और सरकारी भवनों में जो है, सरकारी स्कूलों और सरकारी भवनों में धार्मिक चिन्ह जो है सख्त वर्जित किया गया है, अतः ये इन्होंने सिद्ध किया था। तो ये नियम जो है 4 सितंबर को नया स्कूल वर्ष शुरू होते ही लागू किया जाएगा कि जो है बच्चों को, जो वहाँ के जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में अबाया नहीं पहनेंगे उस पर रोक लगाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 28 अगस्त को किसके शताब्दी वर्ष पर स्मारक सिक्का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया गया है? तो 28 अगस्त को किसकी शताब्दी वर्ष पर ये कार्य किया गया है, आपको कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है इसका। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस आप विजिट कर सकते हैं, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जूना बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।